तो सुखदेव जी ही ये समझाते हैं कि जो भोले भक्त होते, जो खुद की चिंता नहीं करते, उनकी चिंता हमेशा भगवान करते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ जवाब भगवान को भी देने दीजिए, हर जवाब आपको देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जवाब में शायद उतनी ताकत नहीं होगी जो ताकत उनके जवाब में होगी। जैसे एक बार एक संत एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक धोबी ने बीच रास्ते में ही, उस रास्ते शायद ज्यादा आना जाना नहीं होता होगा, उसी रास्ते में जमीन पर ही अपने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे बिछाकर। अब संत भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो कपड़ों पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। पर उनका जब ध्यान पड़ता है तो वापस घूम कर आते हैं और माफी मांगते हैं। अब वो धोबी चिल्ला रहा है, जोर से खूब डांट रहा है, उन्हें भला बुरा कह रहा है। संत ने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, सच्ची वो माफी मांग रहे हैं। अब वो गालियां देने लगा, अभी भी संत कुछ नहीं कह रहे हैं। ऊपर भगवान बैठे, भगवान कह रहे कि मेरा भक्त कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो सर पे ही चढ़ता जा रहा है। उतने में धोबी ने एक लाठी उठाई और लगा मारने। भगवान कहते ये ज्यादा हो गया, भगवान तुरंत नीचे उतरते। भगवान नीचे उतरते ही है कि यहां पर संत की सहनशीलता ने जवाब दे दिया, उन्होंने भी उठाई लाठी, लगे मार। भगवान फिर ऊपर आ गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि आप तो भक्त की सहायता करने गए थे। भगवान कहते मुझे लगा कि कोई मेरे भक्त के साथ गलत कर रहा है और मेरा भक्त मुझ पे विश्वास रख के ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। पर नीचे गया तो मैंने क्या देखा कि दो धोबी आपस में लड़ रहे। अब वो खुद ही सलट सकते हैं तो मेरा क्या काम। तो जीवन में कुछ जवाब भगवान को देने दीजिए, क्योंकि उनके जवाब में जो ताकत होती है वो हमारे आपके जवाब में नहीं है।